चलिए आज हम बात करते हैं रेस्लर नंबर 5 करने के। कह रहा है क्वेश्चन 5 का रेस्लर नंबर बिटवीन माइनस 3 एंड 4, माइनस 3 और 4 के बीच में हम रेस्लर नंबर 5 करेंगे। इसके बीच हम एक रेस्लर नंबर 5 करेंगे पहला, और इसी तरीके से आप एक रेस्लर नंबर 5 कर सकते हैं। चलिए आप पहला कर लेते हैं। डी नो दैट ए प्लस बी अपॉन 2, हम इससे रेस्लर नंबर फाइंड करेंगे, हम इससे रेस्लर नंबर फाइंड करेंगे। चलिए इस पर कर देते हैं माइनस 3 और 4 को, माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 2, ये सबट्रैक्ट कर देंगे तो 1 अपॉन 2, ये हमारा एक रेस्लर नंबर फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन आ गया फाइंड 3 रेस्लर नंबर बिटवीन माइनस 1 एंड 7, हम अब क्या करते हैं माइनस 1 7 के बीच में थ्री रेस्लर नंबर फाइंड करेंगे। चलिए पहला देख लेते हैं। We know that a plus b upon 2, तो हम देख लेते हैं माइनस 1 और 7 के बीच, तो हम क्या ले लेंगे माइनस 1 प्लस 7 अपॉन 2, तो यहां पर हो जाएगा 6, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 अपॉन 2, ये आ गया 3, ये आ गया। तो हम पा गए क्या करते हैं माइनस 1 और 3 के बीच हम फाइंड करेंगे दूसरा रेस्लर नंबर, तो फिर हम उस पर रख देंगे इसी फार्मूले पे माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम फिर फाइंड करेंगे माइनस 1 और ये 1 के बीच, तो फिर इसी फार्मूले को हम रख देंगे यहाँ कर देते हैं ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 0 अपॉन 2 इक्वल टू अभी तक हम क्या करते हैं सिंपल डिजिट निकाल रहे थे, अब हम फ्रैक्शन में निकालेंगे, देखते हैं फ्रैक्शन में कैसे ले आते हैं इसको हम देख लेते हैं। तो हम सॉल्व कर लेते हैं सॉल्व, तो ए प्लस बी अपॉन 2, तो हम इसके बीच निकालेंगे 2 और 3 इज ग्रेटर देन 3, तो हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2, 2 अपॉन 3 प्लस 8 अपॉन 3 अपॉन 2, ये 2 लिख देंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, यहाँ पर ये 2 आएगा, यहाँ पर ये 8, ये 2 8 10 10 अपॉन 3 अपॉन 2, अगर हम इसके नीचे इधर के 1 मान लें तो ये 2 2 वाले का पूरा ये 5 5 वाले का मल्टीप्लाई 10 अपॉन 3, ये 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, तो हम देखेंगे इसे 2 2 5 10, ये आ जाएगा 5 5 3 4 5, एक हम इधर देख सकते हैं 5 5 3 और 2 by 3, तो ए प्लस बी अपॉन 2 ये 2 by 3 प्लस 5 by 3 अपॉन 2, इन दोनों का एलसीएम 3, ये 2 ये प्लस 5 इसके लिए 2, ये 2 5 7 7 अपॉन 3 ये 2, इसके नीचे हम 1 मान लिए, ये 5 5 का मल्टीप्लाई और ये 2 2 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 7 into 1, ये 3 into 2, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 1 7, 2 3 6, ये आंसर, ये हमारे दो रेस्लर नंबर हो गए 7 by 6 और 5 by 3। हाँ गाइस,
आप लोग उसी तरीके से 1A एक्सरसाइज 1A के सभी सवाल कर सकते हैं इसी मेथड से जो दो मेथड बनाए मेथड से आप पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 1.1